हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉइलर्स मिल सकते हैं। जितनी उम्मीद मैंने की थी उतनी अच्छी नहीं बनी है मूवी। ब्लू बीटल डीसी का नया सुपर हीरो है। अब पता नहीं वो कौन से यूनिवर्स में है या फिर उसके यूनिवर्स में कौन कौन है या कौन कौन है। हाई मे का चाचा अंकल रूडी सुपरमैन और फ्लैश की बात करता है, मतलब ये दोनों ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं है मुझे कि ये कौन सा सुपरमैन और फ्लैश है। खैर, जेम्स गन है तो वो आगे संभाल ही लेंगे। मूवी में अच्छे से मर्ज किया गया है डैन गैरेट और टेड कॉर्ड को। इन दोनों के ही बारे में मैंने बताया था, तुमने जरूर वो वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके जरूर देखना। वेन के बाद फाइनली डीसी में अमीरी दिखी है। कॉर्ड भी अमीर है, डीसी का स्टार्क जैसा लगा थोड़ा सा, वाइब आया थोड़ा सा। टेक भी दिखाया गया है जो आगे और एक्सपैंड होगा शायद। कॉर्ड भी हथियार बनाता है, लेकिन टेड कॉर्ड की बेटी जेनी ये बिजनेस बंद करना चाहती है, क्योंकि टेड कॉर्ड ने पहले बनाया था हथियार, लेकिन बाद में उसने हथियार बनाना छोड़ दिया था। लेकिन बुआ बंद नहीं होने दे रही। बुआ और भतीजी का झगड़ा है। नाम भी है कॉर्ड इंडस्ट्रीज। आयरन मैन 1 की याद दिला गई मूवी। ब्लू बीटल के सूटअप से मुझे बड़ी उम्मीदें थी, बट वो बिल्कुल ही खराब लगा मुझे। सूट एक्टिव होने के बाद जब वो डीएक्टिवेट होता है तो हर बार वो हाईमे को नंगा कर जाता है। ये हल्का वाइब दे गया बट अच्छा नहीं लगा। कपड़े खराब नहीं करने से बेहतर होता। हाईमे को नए कपड़ों की जरूरत पड़ती रहेगी, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। घर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब है, ऊपर से ये AI हर बार उसकी बात मानती भी नहीं है। दोनों में मतभेद होते हैं। ये बात वैनम और एडी ब्रॉक की वाइब दे गई। AI ने गुस्से में अगर पब्लिक प्लेस में ही सूट डीएक्टिवेट कर दिया तो वो सबके सामने ही नंगा हो जाएगा। इसमें चेंज की जरूरत थी। टेड कॉर्ड की बहन ब्लू बीटल टेक का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर और वेपन बनाना चाहती है। इनफैक्ट वो बनाती भी है, बट एंड में वो खत्म हो चुकी है और अब कॉर्ड इंडस्ट्रीज की बॉस है जेनी। सो अब फिलहाल सब ओके है। मूवी में मार्वल की ही फिलहाल के प्रोजेक्ट्स की तरह ढेर सारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं। हाईमे की माँ, नानी, बहन, प्यार तो उसे सुपर पावर्स मिलने से पहले ही हो गया है। सो उसकी गर्लफ्रेंड जेनी, जेनी की बुआ, काफी महिला केंद्रित पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है। इन सबके अलावा हाईमे के पिता भी थे जो मारे जाते हैं, और वो सुपर सोल्जर भी एंड में मर चुका है। मिड क्रेडिट्स में जेनी के फादर टेड कॉर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो शायद अभी भी जिंदा है, और वो जेनी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।